एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस मुस्ताफी हो गए। सानहा मर्डर टाउन नई जीआईटी केस की समाप्त, वजीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। आपको क्यों बुलाया, क्या आपके इल्म में है? जस्टिस मलिक शहजाद का वजीर आला पंजाब से इस्तफसार। मेरे इल्म में कुछ नहीं, वालिद फौत हुए, मसरूफ था। वजीर आला पंजाब का जवाब, क्या अहमद अवैस से इस केस को चलाएंगे? जस्टिस कासिम अली खान, अदालतों का एहतराम करते हैं, एडवोकेट जनरल की जगह नया अफसर तैनात करेंगे। नए जीआईटी को काम से रोकने से मुतालिक समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी। इस्तीफा दे दिया, माफी नहीं मांगूंगा। हुकूमत और अदलिया के दरमियान टकराव नहीं चाहता। अपने खिलाफ केस में हुकूमत को शामिल नहीं करूंगा। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। एफिड्रेन कोटा केस, हनीफ अब्बासी की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का लीगी रहनुमा, हनीफ अब्बासी की रिहाई का हुक्म। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। केस में नामजद दीगर सात मुलजिमान को रिहा कर दिया गया। हनीफ अब्बासी के खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौकफ। इंजीनियर्स का एहतजाज दफ्तर से सड़कों पर आ गया। गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना दे दिया। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वुकला की रास्ता खुलवाने की कोशिश, इंजीनियर्स के साथ लड़ाई। एक दूसरे की खूब धुलाई कर डाली। मुक्कों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाएं, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन भी मुतालिबात के लिए सड़कों पर आ गई। पंजाब असेंबली के मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बाद स्मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। अलीम खान के जुडिशियल रिमांड में 20 अप्रैल तक तौसी। आमदन से जायद असासजा केस की समाअत, आपने कौन सा रिकॉर्ड छुपा कर रखा है? अदालत का अब्दुल अलीम खान से इस्तफसार। रिकॉर्ड तो दे दिया, अब तो हम जेल में बंद हैं। वकील अब्दुल अलीम खान का जवाब, जी रिकॉर्ड भी लेकर आएंगे, इतनी जल्दी क्या है? नैब प्रोसिक्यूटर का बयान, जितनी जल्दी हो फाइनल रिपोर्ट पेश करना नैब का फर्ज है। नैब वाले अपने पाँव पर तो खड़े हो जाए। जज नजमुल हसन के रिमार्क्स। अलीम खान की पेशी, पीटीआई कारकुनों की एहतसाब अदालत जाने की कोशिश। पुलिस एहलकारों के साथ कलामी हाथापाई। पुलिस ने कारकुनों को अंदर जाने से रोक दिया। रहनुमा पीटीआई शुएब सद्दीकी बोले, नैब वालों को अदालत ने तनबीह की है, हमारा दामन साफ है, तमाम दस्तावेजात फराहम कर दी। पीटीआई एमपीए नदीम बारा भी नैब के रडार पर आ गए। केनाल व्यू सोसाइटी में 131 केनाल सरकारी अरासी पर कब्जे का इल्जाम। महकमा कोऑपरेटिव की नैब को भिजवाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ, नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बादामी बाग में पुलिस वैन की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मामला। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल, पोस्टमार्टम मुकम्मल ना हो सका। वाके में मुलव्विस चारों पुलिस एहलकार गिरफ्तार। एफआईआर में ड्राइवर मोहम्मद हुसैन, टीएएसआई राहील और कांस्टेबल मोहम्मद अमीन और नदीम मुलजिम नामजद। मकतूल ताजिर का भतीजा और चार बहनों का इकलौता भाई था। अहले खाना खम से निढाल, आजम मार्केट के कश्मीर और एम ब्लॉक में दुकानें बंद। इलाके में शोक की फजा। नया बलदियाती निज़ाम कैसा होगा, इब्तदाई खादोखाल जारी। शहर लाहौर में 280 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। नेबरहुड काउंसिल्स के तरक्याती कामों के लिए फंड्स मिलेंगे। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। वासा पीएचए एलडीए टीपा लाहौर पार्किंग एजुकेशन बोर्ड का सरबराह मेयर लाहौर होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के शोबे के अख्तियार भी मेयर के पास होंगे। आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने की तैयारी। फ्लोर मिल्स का 20 किलो आटे का थैला 5 रुपए महंगा करने का ऐलान। हुकूमत का कीमतों में इजाफा मानने से इनकार। वजीर सनत मियां इस्लाम इकबाल कहते हैं, आटे की कीमत पर 1 रुपए का इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तमाम स्टेक होल्डर से बात हो गई है। महंगाई साबिक हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून ने महंगाई के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीके इल्तवा जमा करा दी। वज़ीर आज़म के अहकामात भी नज़रअंदाज, अद्वियात की कीमतों में कमी ना हो सकी। दवा साज इदारों का वज़ीर आज़म के अहकामात के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फार्मास्यूटिकल का मुश्तरका इजलास, वफाकी वज़ीर सेहत की भी इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ के दिल की बीमारी का मामला, जमानत की मुद्दत खत्म होने में 4 हफ्ते बाकी। मेडिकल बोर्ड का लंदन में नवाज शरीफ के मुआलजीन से राबता। नवाज शरीफ के दिमाग की शरियानों में खून की रुकावट दूर करने के लिए मुशावरत। जाती मुआलज डॉक्टर अदनान कहते हैं कोशिश है नवाज शरीफ की बीमारी को जल्द कंट्रोल कर लें। डॉक्टर्स टीम की जानिब से तजवीज़ करदा अद्वियात जारी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर जाली डिग्री केस में बरी। एंटी करप्शन अदालत के जज बहादुर अली खान ने फैसला सुना दिया। जाली डिग्री से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। तफ्तीशी अफसर एंटी करप्शन ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। गुलाम सरवर के खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। वकील अकरम कुरैशी के दलाइल। मोबाइल फोन बंद रखने वाले FIA अफसरान की शामत आ गई। डायरेक्टर पंजाब Zone 2 तारिक रुस्तम चौहान का महकमाना कार्रवाई का इंदिया। तमाम अफसरान को मोबाइल फोन 24 घंटे खुला रखने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। वासा का एक और MNST स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। गैर कानूनी कनेक्शन के बाद नादहिंदगान को रिलीफ देने का फैसला। MNST स्कीम के तहत शहरियों के बिलों की 15 एक साथ की जाएंगी। मुकम्मल बिल की अदायगी पर 25% बिल माफ कर दिया जाएगा। वाइस चेयरमैन वासा ने MNST स्कीम का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। शहर में बनाई जाने वाली नई तहसील न्यास बेग पर महकमा रेवेन्यू ने एतराज लगा दिया। कमिश्नर लाहौर को मुरासला भिजवा दिया। तफसीलात तलब। कौन से रकबे को छोड़ा और कौन सा रकबा नया शामिल कर रहे हैं। नई तहसील कितनी आबादी पर मुहित होगी। मौजूदा अमला कितना है। कितने अमले की जरूरत होगी। मुरासले का मतन। शाही कले में सियाहत को फरोग देने का मंसूबा। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत से फंड्स मांग लिए। 3,66,95,40,000 दरकार। रकम बारूद खाना रॉयल किचन पिक्चर वॉल की मरम्मत पर खर्च होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैर जरूरी अखराजात कम किए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1,81,00,00,000 रुपए की बचत की। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के तहत नए 115 एराजी रिकॉर्ड सेंटर बना रहे हैं। सूबाई वजीर रेवेन्यू मलिक अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मई जून में मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए सहूलियात का फुकदान है। मौशी इस्लाहात के बायस पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मार्च में बरामदात कम हुई। मशीर वज़ीर आज़म अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में सालाना फार्मा कन्वेंशन। 30 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के स्टॉल्स। वाइस चांसलर डॉक्टर तल्लत नसीर पाशा बोले तलबा को अद्वियात सासी में पेशरफ के हवाले से आगाही दी गई। गमगीन दिलों को मुस्कुराहटों का तोहफा देने वाले मायानास कॉमेडियन मस्ताना को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। और
समाचार। माजी के मुनफरिद और मकबूल तरीन गुलकार अहमद रुश्दी की 36वीं बरसी। दिलकश नकमात की बदौलत 3 दहाइयों तक फिल्मी सनत पर छाए रहे।